वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। हरित प्रणाम। आज गणेश जी की प्रतिमा विसर्जन का दिन है। आमतौर पे हम देखते हैं कि बहुत सारी गणेश जी की प्रतिमाएं ऐसे उत्पाद से बनी हुई होती है जो हमारे जल स्रोतों को प्रदूषित करती है। इसी संदर्भ में एक नवाचार 2015 में मुंबई में शुरू हुआ ट्री गणेशा नाम की एक संस्था के द्वारा, जो मिट्टी के गणेश जी निर्मित करके और लोगों को प्रेरित करती है। इस विचार को हमारे ही महाविद्यालय के मेरे सीनियर प्रोफेसर अनिल अरोड़ा जी ने मेरे साथ में साझा किया और हमने ये तय किया कि हम यहाँ राजस्थान में भी मिट्टी से गणेश जी की प्रतिमा को निर्मित कर और विसर्जन की प्रक्रिया की शुरुआत करें। क्योंकि इस साल हम घर घर सहजन अभियान चला रहे हैं, लिहाजा ये जो सामने तस्वीर में आपको गणेश जी की मूर्तियाँ दिखाई दे रही हैं, इनमें सहजन के बीज हमने डाले हैं और अब हम आज इनका विधि पूर्वक विसर्जन करेंगे। आप सबसे निवेदन यही है कि हमारी जो लोक संस्कृति है उसका प्रकृति से बड़ा घनिष्ठ संबंध है, लिहाजा हम प्रकृति के सानिध्य में प्रकृति को संतुलित करते हुए ही सारी हमारी जो धार्मिक क्रियाएं हैं वो करें, क्योंकि प्रकृति ही हमारी संस्कृति का मूल है। और इसी संदेश के साथ में हम आज आप सबसे निवेदन कर रहे हैं कि हम गणेश चतुर्थी पर प्रकृति से जुड़ें, हमारी संस्कृति के मूल को समझें। अब हम इस प्रक्रिया को विधिपूर्वक शुरू करेंगे। आज इस नवाचार में हमारे साथ में हैं हमारे राजकीय डूंगर महाविद्यालय के ही मेरे सीनियर साथी एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर विक्रमजीत जी और डॉक्टर अरोड़ा साहब जो कैप में दिखाई दे रहे हैं। अरोड़ा साहब इस नवाचार के मूल प्रेरणा स्रोत हैं, साथ में मेरी आदरणीय सासू माँ पत्नी और बेटी रैना जिसने ये गणेश जी की मूर्तियाँ बनाई है, छोटी बेटी रीत, विद्यार्थी किस्तूरा राम जी और हमारे कर्मठ साथी फूल जी और साथ में हमारे डॉक्टर विक्रमजीत सर के शिष्य हमारे साथ में हैं, दोनों जो हमारे विद्वज द्वे हैं, हम सब मिल करके और इस प्रक्रिया को पूर्ण करेंगे। और आप सबसे निवेदन है कि आप ये पूरा वीडियो देख करके और इस प्राकृतिक हरित नवाचार का हिस्सा बने। बोल गजानंद भगवान की जय हो। ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ध्यान मूलं गुरु मूर्ध्ये भुजा मूलं गुरु पदा मंत्र मूलं गुरुर्वाक्य मोक्ष मूलं गुरु कृपा कल्ला मंगलाकारं व्याप्तं येन चराचरा दर्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। चतुर्षष्टि वया पञ्चा षड् विष्णो द्वादश देवता द्यौः शान्ति पठे नित्यं महापादयनासनं हरिः। ॐ स्वस्ति न इन्द्र बृहद सर्वाः स्वस्ति न भूगा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति न बृहस्पतिर्दधातो दिव्यान्तरिक्षे वायोद्धाः वयस्पतिः प्रदिशः सन्तुमयं विष्णोराराटमसि विष्णोः सर्वश्रेष्ठो विष्णोः शूरसि विष्णोः दुर्वोऽसि वैष्णवमसि विष्णवे त्वादेवता वातो देवता सूर्यो देवता चन्द्रमा देवता वसवो देवता रुद्रा देवता द्वितीया देवता मरुतो देवता विश्वे देवा देवता बृहस्पतिर्देवतेन्द्रो देवता वरुणो देवता द्यौः शान्तिरान्तरिक्षगं शान्तिः पृथिवे शान्तिरापः शान्तिरौघदयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देव
शांति ब्रह्म शांति हे सर्वगम शांति हे शांति रे वसांति हे सामा शांति रे दी जतो यतः समी हसे ततो नौ अभयं गुरु सन्नः गुरु प्रजाभ्यो भयन्नः वासुभ्यः हरि ओम शांति 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 सुख शांति भवतु सर्वार्थ शांति भवतु सकल मनोरथ सिद्धिरस्तु श्रीमन महागणाधिपते नमः श्री लक्ष्मी नारायण नमः उमामहेश्वराभ्यां नमः ्याम नम सदे वरंद्राभ्यो नम मातृ पितृ चरण कमले भ्यो नम इष्टदेवताभ्यो नम कुलदेवताभ्यो नम ग्रामदेवताभ्यो नम स्थानदेवताभ्यो नम वास्तुदेवताभ्यो नम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नम सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नम सर्वेभ्यो तीर्थेभ्यो नम सर्वेभ्यो सागरेभ्यो नम एतत्कर्म प्रधान देवताभ्यो नम श्री महाजानंदाय देवता भ्यो नम भगवान की जय विघ्नराजाय सर्वसुख्यप्रदायने दुष्टारिष्ट विनाशाय पराय परमात्मने लंबोदरं महावीर्यां नागयज्ञोपशोभितं अर्धचंद्रधरं देव विघ्नव्योह विनाशनम ओम रांग रींग रोंग रेंग रोंग राहे लंबाय नमो नमः सर्वसिद्धे प्रदस्वामी सिद्धे बुद्धे प्रदो भव चिंतितार्था प्रदस्वामी सतता मोदका प्रिया सिंदूरारुणवस्थिता पूजितो वरदायक इदं गणपतिस्तोत्रं या पठे भक्तिमानरः तस्य देहं च स्वयं लक्ष्मी नमुंचति गं मेधाद कीर्तिदा सोकारी दुर्भाग्यनाशनं प्रतिवादी मुखस्तंभो हृष्टचित्त प्रसादनं प्रणम्या शिरसादिनाय स्वाहा महागदानंदाय नमः नमो हरौ हरेस्माणे शूलपाण पिनाकद्रे नवोदं प्रवद देवा गणेशेवा विसर्जनम्। तो इस प्रकार हमने खेत की मिट्टी से निर्मित गणेश जी की प्रतिमा को यहाँ विसर्जित किया है। मिट्टी मिट्टी में मिल जाएगी और इसमें रखा गया सहजन का बीज उग करके वृक्ष बन जाएगा। आप अपने घर में भी छोटे जो फूल के बीज होते हैं उनको प्रतिमा में डाल करके और इस तरह से गमले में भी गणेश प्रतिमा का विसर्जन कर सकते हैं और हम प्रकृति के अनुकूल साम्य रखते हुए इस त्यौहार को मना सकते हैं। हरित प्रणाम।